साथियों, आप लोग देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ टुडे। मैं के सिद्धार्थ, और आज हमारे साथ में मौजूद है अमरोहा के मिस्टर दीपक मौर्य। दीपक मौर्य जी का इंटरव्यू आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, तो आइए जानते हैं कि आज ये हमारे जो है ऑफिस में आए हुए हैं। और सबसे पहले दीपक जी, आपका स्वागत है वीआईपी न्यूज़ टुडे में। बताइए, कैसे हैं आप आज? जी, बहुत बहुत धन्यवाद एके सिद्धार्थ जी का, और आपको नमस्कार करता हूँ, और तमाम दर्शकों को मैं जय संविधान कहता हूँ। और देखिए, आज बहुत खुशी हो रही है जो मैं एके सिद्धार्थ जी से मिल रहा हूँ काफ़ी बहुत टाइम बहुत बाद। धन्यवाद आपका। तो दीपक जी जो है, थोड़ा जैसे बॉलीवुड को लेकर के या जो फिल्म इंडस्ट्री वगैरह है, क्योंकि ये सिंगिंग भी करते हैं और काफ़ी जगह पर इन्होंने अपने ऑडिशन वगैरह भी दिए हैं, तो आज हम इसी मुद्दे पर इनसे जो है चर्चा करेंगे कि आखिर बॉलीवुड को या फिल्मों को लेकर के या फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के समाज को अपनी रुचि रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, और किस तरह से जो है बॉलीवुड भी कार्य कर रहा है, और किस तरह से बॉलीवुड के अंदर आप देख रहे होंगे निरंतर राजतंत्र को स्थापित करने जैसी फिल्में बनाई जा रही हैं। तो सबसे पहले हमारा आपसे सवाल है कि बॉलीवुड जो है, और बॉलीवुड के अंदर जो नेपोटिज्म है, यानी बॉलीवुड के अंदर जिन लोगों का एक प्रकार से होल्ड है, उन्हीं के चाहने वाले लोग अपने ही चाहने वाले लोगों को आगे निरंतर बढ़ा रहे हैं, तो बॉलीवुड को और नेपोटिज्म को आप किस तरह से देखते हैं और इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नेपोटिज्म के बारे में ज़्यादा उसका अर्थ, उसकी परिभाषा बताने की आवश्यकता है नहीं इस दौर में, क्योंकि आज देश का हर व्यक्ति जानता होगा, जानने लगा है कि बॉलीवुड की क्या हालत हो रही है नेपोटिज्म के कारण। नेपोटिज्म का जो बेसिक अर्थ यही है कि भाई भतीजावाद, जो हालत नेपोटिज्म को देखते हुए हम देखते आ रहे हैं बॉलीवुड में, कि पहले क्या था और आज कंटेंट क्या हो गया है, कि फैमिली से ही फैमिली का कोई आ गया, उत्तराधिकारी एक तरह से हो गया, तानाशाही वाला जो राज, जो पॉलिटिक्स होती थी, वही आज बॉलीवुड में देखने को मिल रहा है हम लोगों को, बिल्कुल है ना। तो ये चीज़ है, आज बॉलीवुड की हालत बहुत ख़राब हो रही है, जिस तरह की ये साउथ इंडियन मूवीज़ के कंटेंट चुरा करके, उनकी कॉपी पेस्ट करके, उनकी फिल्मों को कॉपी कर रहे हैं ये लोग। तो अब वो बात रहने गई है बॉलीवुड में, ये सारी बातें हैं। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट, और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहें, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। तो नेपोटिज्म का अगर देखा जाए तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाल ही में एक एक्टर थे जिनका नाम था सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने नेपोटिज्म के खिलाफ जो है आवाज़ उठाने का प्रयास किया, और आप देखते हैं कि उन्हीं की आवाज़ को बंद कर दिया गया, जबकि वो फॉरवर्ड से ही आते थे। और एक और मैं आप लोगों को उदाहरण देना चाहता हूँ, दिव्या भारती जी। दिव्या भारती जी का भी जो है नेपोटिज्म के कारण उनको भी बहुत सारी चीज़ें झेलना पड़ा और उनकी भी आवाज़ को बंद कर दिया गया। और ये तो बॉलीवुड के वो सितारे हैं दीपक जी, कि जो सामने आज आ गया मुद्दा मीडिया के माध्यम से या किसी ने उसको शेयर कर दिया, लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, बहुत सारे सितारे, बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो नेपोटिज्म का शिकार होते हैं और उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, लेकिन वो मीडिया तक, जनता तक, देश तक, समाज तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये बॉलीवुड और नेपोटिज्म की ये स्थिति है कि साउथ इंडियन है या अदर जो बॉलीवुड है, चाहे वो टॉलीवुड हो पंजाब का, तो वहाँ के राइट से लेकर के या अलग तरीके से जो है कंटेंट को चुरा करके बनाया जा रहा है, और निरंतर बॉलीवुड जो है खड्डे में गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो खैर, ये तो नेपोटिज्म और बॉलीवुड की बात थी। दीपक जी, अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो SC ST OBC के जो लोग हैं, जो इस देश के मूल निवासी लोग हैं, जिनका बॉलीवुड या फिल्म सिटी को लेकर के कोई भागीदारी नहीं है, अपना एक यहाँ पर एम्पायर नहीं है, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि होना चाहिए, और हो तो कैसे बनाया जाए? देखिए, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने यही किया है कि क्या SC ST OBC माइनॉरिटीज़ वगैरह को, इन लोगों को अपनी अलग इंडस्ट्री डेवलप करनी चाहिए या ना करनी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल है ना। तो बॉलीवुड का तो आपको बता ही दिया है मैंने कि क्या हालत है आज। तो इस चीज़ को देखते हुए
जो हमारे बहुजन समाज के जो मूलवासी लोग हैं वो कुछ ऐसे ओहदे पे भी हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, है ना। समाज में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, जागरूकता लाने की ज़रूरत है, और जो चीज़ें हम पे थोपी गई जो गलत थी उनको उजागर करने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ के लिए बॉलीवुड भी एक बॉलीवुड तो चला गया लेकिन फिल्म इंडस्ट्री जो हम डेवलप करना चाहें तो एक बेहतर माध्यम हो सकता है ना। तो इस चीज़ के लिए जो लोग सक्षम हैं, जो मूल निवासी लोग सक्षम हैं, उन लोगों का आना चाहिए। और इस चीज़ पर हमारी टीम भी कार्य कर रही है काफ़ी समय से। तो अगर लोग इस चीज़ से सक्षम हैं, ऐसे लोग जो मूल निवासी लोग हैं जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक हो गई है आज के दौर में, जो बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं समाज के लिए भी, तो उन लोगों को अगर लगता है कि हाँ हमें बहुजन सिनेमा या मूल निवासी सिनेमा इस तरह से इस चीज़ को लेकर के समाज में जागरूकता लानी चाहिए, तो मैं कहूँगा मैं उनका बिल्कुल दिल से स्वागत करेगी हमारी टीम कि वो हमारे साथ आएं और मिल करके इस कारमा को आगे बढ़ाएं। तो हमें भी खुशी होगी और समाज में नई जागरूकता आएगी और समाज को एक मजबूती प्रदान होगी। देखिए, बहुत लंबे समय से हमारे समाज को पढ़ाई लिखाई के लिए रोका गया है। अब बहुत सारे लोग जो है निरंतर आगे आ रहे हैं, तो जो अभी भी पढ़े लिखे लोग नहीं है वो उनको अगर व्यवस्था को समझाना हो और भारत की जो भी वर्तमान स्थिति है उसको समझाना हो, भारत के इतिहास को सही तरीके से समझाना हो, तो क्या जरिया है कि किताबों को पढ़ करके वो समझ सकते हैं। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो कैसे समझेंगे, वो देख करके समझ सकते हैं। और आज के समय में तो ये इतना आसान हो गया है दीपक जी, जैसे जी यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, या इंस्टाग्राम है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, या अपना एक निजी आप OTT प्लेटफॉर्म भी बना करके जो है लोगों को कंटेंट के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर सकते हैं। और इसी पर जो है दीपक जी बता रहे हैं कि उनकी टीम बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य कर रही है, तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि जो भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर हो, YouTube पर हो या अपने OTT प्लेटफॉर्म पर हो, वो दीपक जी से संपर्क जरूर करें। तो जैसा दीपक जी आपने अभी बताया कि आपकी टीम कार्य कर रही है, तो नेक्स्ट इन फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट कुछ आपका है जिस पर आप लोगों का कार्य चल रहा है, और क्या ऐसा है कि जो आप समाज को देने वाले हैं? जी बिल्कुल। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के हमारी टीम काफ़ी समय से काम कर ही रही है, लेकिन हमारा जो पहला प्रोजेक्ट आने वाला है वो हम वेब सीरीज़ के माध्यम से, वेब सीरीज़ का नाम हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि फूलन, फूलन एक सोच नाम से हम अपनी वेब सीरीज़ लॉन्च करेंगे। तो इसमें ज़्यादा टाइम है नहीं, 1-2-3 महीने हो सकते हैं, इतना टाइम लग जाए। वेब सीरीज़ का पहला एपिसोड हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं, तो इस पर हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम पूरी तरह से लगी हुई है। और मैं जैसा मैंने कहा कि जो लोग समाज में अपनी हिस्सेदारी दिखाना चाहते हैं, समाज को जागरूक करने में, समाज को मजबूत करने में, तो हमारा साथ जरूर दें, हम उनका बिल्कुल दिल से स्वागत करेंगे और हमें आवश्यकता भी है ऐसे लोगों की। तो फूलन एक सोच जो आप बना रहे हैं उसके लिए स्टार कास्टिंग वगैरह या जी जो भी चीज़ें हैं, कॉस्ट्यूम है या जो टीम है आप लोगों की, वो पूरा लगभग जो है आप लोगों का कंप्लीट हो चुका जी है। हाँ अगर अभी भी कुछ मतलब जो कलाकार एक्टर आप लोग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप चैनल के माध्यम से हमारे लोगों को कह सकते हैं कि जो इच्छुक हो तो आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग वेब सीरीज में अपनी भागीदारी दिखाना चाहते हैं, अपनी कलाकारी दिखाना चाहते हैं, तो जरूर कांटेक्ट करें हमसे, उनका सारा कुछ देखा जाएगा, ऑडिशन वगैरह लिए जाएंगे, है ना, उनकी देखी जाएगी, हाँ, प्रतिभा देखी जाएगी कि क्या अभी उनमें क्षमता है या नहीं है। और किसी भी मूल निवासी को, मूल निवासी समाज को, बहुजन समाज को, SC ST OBC माइनॉरिटीज को घबराने की ज़रूरत है नहीं, हम आपके साथ हैं, हमारी टीम आपके साथ है, और जो फिल्म इंडस्ट्री हम डेवलप करना चाह रहे हैं वो आपके साथ है, बशर्ते आप बॉलीवुड या इस तरह की चीज़ के पीछे ना जा करके अपनी प्रतिभा को बनाए रखें और हमसे संपर्क करें। इस चीज़ की जानकारी, ऑडिशंस की, ऑडिशन सिंगिंग ऑडिशन, डांसिंग, मॉडलिंग वगैरह, इन चीज़ की जानकारी हमारे AK सिद्धार्थ जी के यूट्यूब चैनल VIP न्यूज़ टुडे के माध्यम से आप लोगों को दे दी जाए करेगी समय से, तो हम स्वागत करेंगे दिल से बिल्कुल। तो देखिए, ये SC ST OBC पिछड़े दलित आदिवासी जो लोग हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है, और इस VIP न्यूज़ टुडे पर आप लोगों का जो प्यार है वो निरंतर बना रहता है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और जिन लोगों के अंदर प्रतिभाएं हैं, चाहे वो डांस को लेकर हो